कितनी गोलियां लगी थी? 17 बुलेट। 17 बुलेट्स आपके बॉडी में? यस। इस वक्त मैं टाइगर हिल के ठीक सामने हूँ और हमारे साथ में एक ऐसे योद्धा है जिनको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। सर, आज वाकई में ऐतिहासिक दिन है। 25 साल के बाद आज फिर से हम लोग उसी जगह पे उस मसले को चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर एक कहा जा सकता है भारतीय जवानों की वीरता शौर्य का पराक्रम आप लोगों ने यहाँ दिखाया था। बिल्कुल, ये हमारे सेना के लिए, देश के लिए बड़े फख्र की बात है, गर्व की बात है कि 25 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का वो स्वर्णिम अध्याय लिखा था, जोड़ दिया था। और यही वो पहाड़ियां हैं, इतनी आप देख सकते हैं कि कितनी दुर्गम पहाड़ियां हैं, यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल था, ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इन पहाड़ियों पर चढ़े, लड़े और एक जीत को सुनिश्चित किया, भारत को एक गौरवान्वित महसूस कराने का अवसर प्रदान किया। सर, मैं कुछ पर्सनल किस्से सुनना चाहता हूँ जो आपके साथ में है, जिसके चलते आपको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। आप और आपके साथी किस तरह से उस युद्ध को लड़ रहे थे, आपको भी गोलियां लगी थी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये जो आप पीछे देख रहे हैं टाइगर हिल, जो 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, इस पहाड़ी पर हम 2 रात और 1 दिन में चढ़ पाए थे और 3री रात का तो वो मंजर ऐसा था कि जिसको आज भी जब याद करता हूँ तो आँखों से अश्रू आते हैं, याद साथियों की याद आती है कि 2 रात और 1 दिन साथ साथ चलने के बाद 3री रात सिर्फ हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे। 5 घंटे का भीषण युद्ध हुआ और अपने एक एक साथी को अपने आँखों के सामने शहीद होते हुए देखा। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। कितनी गोलियां लगी थी? 17 बुलेट। 17 बुलेट्स आपके बॉडी में? यस। तो वो साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगा था, ऐसे बैठा था ठीक सर, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसका सर निकलता है, बगल में बैठा साथी उसको सीने में गोलियां लगती हैं, उसके फेफड़ों से खून की। हम सब फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं, मैंने उस पल को जिया है। मैंने पल को देखा है कि एक साथी हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, वहीं पर पाकिस्तानी आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट जाती है और चारों तरफ खून की बौछारें बौछारें, बिना सर के वो धड़ 2 कदम चल के गिर गया। मैं देख रहा था लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी, दूसरे साथी के दोनों हाथों में पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके तमाम साथी शहीद हुए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 19 साल का ये लड़का, 2 साल की सर्विस, धैर्य साहस के साथ वहाँ पे पड़ा रहा, डटा रहा, लड़ता रहा और वहाँ से पाकिस्तानी खदेड़ा 500 मीटर नीचे आकर के अपने साथियों को इन्फॉर्म किया और उस इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर दूसरी टीम ने जाकर के इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्ध। सर, आखिरी सवाल, उस वक्त में भी देश के प्रधानमंत्री जवानों के साथ होते थे, आप लोगों के बीच में होते थे और आज भी लगातार अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कल आ रहे हैं यहाँ पे, जवानों से मिलेंगे, आप सबों से मिलेंगे, इसके इसको आप कैसे देखते हैं, किस तरह से देश का जवानों का मनोबल को बढ़ाने का ये काम किया जा रहा है? बिल्कुल, कारगिल एक की जीत बहुत बड़ी जीत थी राष्ट्र के लिए, इतनी दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर विश्व की किसी भी सेना ने आज तक ना कोई युद्ध लड़ा है और ना शायद इतना बड़ी हाइट्स के ऊपर जीता है, और ये हिंदुस्तान की फौज थी, इतनी हाइट्स के ऊपर चढ़ करके लड़ करके युद्ध को जीता भी है। तो हिंदुस्तान की फौज पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुई, प्रख्यात हुई, और प्रधानमंत्री हमारे ही तो प्रधानमंत्री, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, जो मनोबल बढ़ाते रहते हैं, मनोबल बढ़ाते रहते हैं, और 48 से लेकर के आज तक हर देश का प्रधानमंत्री हमारी सेना के साथ खड़ा हुआ, तभी तो ये सेना हर युद्ध के अंदर एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखती है।